वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सबको जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं और जितने भी स्कूल यहां पे आए बच्चे उस्ताद जितने भी आए उनका खैर मकदम करता हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां पे तशरीफ ले आए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का दिन जश्न आजादी का दिन मनाया जाता है और ये जश्न आजादी जिस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ था, एक्चुअल में जो पहली तारीख की जो जंग लड़ी गई थी वो 1857 में हुई थी, बट अंग्रेजों की इतनी पावर थी कि उस दिन हमारी ये जंग नाकाम हुई और ठीक 90 साल के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क जो है आजाद हो गया और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश का तिरंगा लहराया था। तो ये तो आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, लेकिन मैंने जो आज सुबह से यहाँ एक चीज नोटिस की कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने जो अलग अलग किस्म के जो यहाँ पे आपके सामने स्किट्स की गाने पेश किए, अलग अलग ड्रामास किए, उनके टीचर्स को मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और छोटे बच्चों को तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये मैं पर्सनली समझता हूँ क्योंकि बड़े बच्चों को एक बार आप समझाओगे तो वो आराम से समझ जाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चे हैं इनको इस तरह से तैयार करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं बार बार आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत आज यहाँ पे रंग लाई और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ऐसे कोई अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आप इनसे करवाएं और बच्चों से भी गुजारिश की जाती है कि जो भी आप स्किट्स पेश करते हैं उनका जो मकसद होता है उसको आप आगे फ्यूचर के लिए याद रखें। और जैसे कि आप यहाँ हमारे बुजुर्ग ने फरमाया कि आने वाले टाइम पे जैसे अक्टूबर में या 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती आ रहा है उस दिन भी कोई प्रोग्राम रखे जाए बहुत अच्छी बात है और सबसे गुजारिश है खास करके अपने गांव वालों से, अपने आसपास के जितने भी स्कूल हैं उन सबसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए या एक 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 स्कूल में आए और आपस में कॉम्पिटिशन रखे। उस कॉम्पिटिशन से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और एक एक रौनक आ जाती है यहाँ आसपास में देखने को मिलती है। तो वक्त बहुत कम है तो मैं कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जैसे अलामा इकबाल साहब का एक खूबसूरत शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। तो लास्ट पे आखिर में फिर मैं आपको जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।